आज की मांग 57। बहुत बार ऐसा होता है, हमने आज कोई प्रयास किया और कल ही परिणाम की राह देखते हैं। प्रयत्न करना हमारा धर्म है और परिणाम देना प्रभु के हाथ की बात है, वो उसके समय पर होता है। दुनिया में आज जितनी भी सबसे बड़ी नामांकित कंपनियां चल रही हैं, जो लोग आज पूरे विश्व में धनवानों में गिने जाते हैं, उनके बारे में भी यदि हम जांचे तो हमको भी पता चलता है कि वे लोग रातों रात ऐसे नहीं बन गए। इसलिए आज का चिंतक बहुत अच्छा हम लोगों को विचार दे रहा है। पौधों को पानी प्रतिदिन देना पड़ता है, फूल झाड़ को पानी हर रोज देना पड़ता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। वैसे ही अपना काम प्रतिदिन करते रहो, उसका फल समय पर जरूर मिलेगा, अवश्य मिल जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, परमात्मा ने बहुत अच्छा सिद्धांत दे रखा, जिसमें हमारा अधिकार होता है उसमें हम लोग हमारा काम करते रहे, भगवान अपना काम अवश्य करेंगे। यदि हम हिम्मत हारे बिना हमारा प्रयास जारी रखे तो एक दिन भगवान अवश्य अच्छा करेंगे ही। इंग्लिश में लोग बार बार बोलते रहते हैं, डू नॉट गिव अप। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम हिम्मत हार बैठ न जाए। इसलिए वो व्यवहारिक मार्ग की बात हो या तो आध्यात्मिक, दोनों ही फील्ड में हम लोगों को हिम्मत के साथ सालों तक जूझना पड़ता है। जूझते 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 कामयाबी अवश्य मिल जाती है। हाँ, जब जब निष्फलता मिले तब तब एक बार नहीं 10 बार हम वापस दृष्टि डाल के हमारी गलतियाँ ढूंढ निकाले और उसको सॉल्व करें। वही जीवन की एक गति और वही प्रगति की सीढ़ी मानी जाती है।